हेलो गाइस, डिजाइन शो डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकुल कुमार और आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सीखने वाले हैं टू साइड लाइट के बारे में। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक पर्दे का कुछ रियल इफेक्ट देना चाहते हैं और अगर आप कुछ लाइट के अंदर और भी एडवांस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अच्छे से शुरू से एंड तक देखें और समझे कि कैसे टू साइड वर्क करता है। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट होता क्या है इससे। सो जब तक हम इसका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या और सीखने को मिलता है। अगर आपको कर्टन का इफेक्ट देना है वो आप इसमें आसानी से दे सकते हैं टू साइड की मदद से। अगर आपको लैम्प का कुछ रियल इफेक्ट शो करना है सो आप इसकी मदद से कुछ भी इंटरेस्टिंग सा कर सकते हैं। सो यस, यहाँ पर समझाने के लिए एक छोटा सा मैं आपके लिए डेमो बना लेता हूँ। या फाइन, यहाँ पर एक मैं बॉक्स बनाऊंगा और यहाँ पर इसको एक हाइट दे देता हूँ। यहाँ पर इतना देने के बाद इसको मैं एक ग्रुप में बना देता हूँ। ग्रुप में बनाने के बाद अब इसको इसके अंदर एक सेंटर पे हम डाल देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिफॉल्ट ट्रे पर जाएंगे और इसको एक एक्सरे मोड पर कर लेते हैं जिससे कि हम इसके अंदर भी देख पाएंगे। गाइस, मेरे वीडियो को देखने के बाद आपके पास कुछ और भी नए नए आइडियाज पक्का आ जाएगा। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यस, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एज पर दे देता हूँ। या क्वाइट कूल। एंड अब मैं यहाँ पर जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग इसके अंदर का सेट कर लेता हूँ। सो उसके लिए यहाँ पर हम सिंपली जाएंगे और जो हमारा डिफॉल्ट ट्रे था इसको यहाँ पर एक्सरे को ऑफ कर देते हैं। अब आप सिंपली शिफ्ट को और माउस के कर्सर को कंट्रोल करके इसके अंदर चले जाएंगे। सो यस, यहाँ पर मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर इन जूम टूल्स का भी यूज कर सकते हैं इसके सही से पोजीशनिंग करने के लिए। सो यस, यहाँ पर मैंने इसकी कर ली पोजीशनिंग। अब यहाँ पर मैं सिंपली जो भी हमारा मटेरियल था इसको मैं रिवर्स फेस कर लेता हूँ। रिवर्स फेस करने के बाद अभी हम देख लेते हैं रेंडर हमारा कैसा देखने को मिलेगा। सो ऑब्वियसली बात है ये बिल्कुल क्लोज्ड पैक हो चुका है और इसकी वजह से हमारा बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा देखने को मिलता है। सो इसको उजाला करने के लिए हम करने वाले हैं टू साइड। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने तीनों साइड सेलेक्ट करके रख लिया है। यहाँ पर मैं जेनरिक मटेरियल पर जाऊंगा और सबसे पहले इसको एक नेमिंग दे दूंगा। व्हाइट दिया मैंने एंड यहाँ पर मैं इसको व्हाइट कलर में चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई टू सिलेक्शन से मैंने इसको अप्लाई किया। अब बारी है इस एक क्यूब की। सो क्यूब के ऊपर हम सेम व्हाइट टेक्सचर से ही कुछ और एडवांस करेंगे। सो इसलिए यहाँ पर हम इसको व्हाइट रहने देते हैं और यहाँ पर चूज करेंगे जिस वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है वो है टू साइडेड। सो हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली फ्रंट मटेरियल और बैक मटेरियल यहाँ पर आप दोनों को डिफरेंट भी चूज कर सकते हैं लेकिन हम अपने केस के अंदर यहाँ पर व्हाइट कलर को चूज कर रहे हैं एंड सबसे ज्यादा व्हाइट कलर को ही हम चूज आउट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको करना है एंड सिंपली आप इसको राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर देंगे। अब हम यहाँ पर रेंडर देखते हैं कि अभी हमारा क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। गाइस, एक और बात, यहाँ पर जब आप इस काम को करें सो सेटिंग में जाकर डी नॉइज को जरूर आप ऑफ कर लें। अगर आप डी नॉइज को ऑन करके रखेंगे सो मे बी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ से मैं स्फीयर लाइट को चूज कर रहा हूँ और इसके एक सेंटर में थोड़ा सा स्पेस देके बना देता हूँ। अब इसकी पोजिशनिंग करनी है। सो पोजिशनिंग करने के लिए अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आप सिंपली स्टाइल के अंदर जाएं और यहाँ पर इसको एक्सरे मोड में कर लें। सो यस, यहाँ पर मैं इसको फटाफट से एक्सरे मोड में कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्सरे मोड में मैंने कर लिया। अब हमारी लाइट यहाँ पर दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा और सेंटर में लेकर इसके अंदर डाल देता हूँ। अभी आप देख सकते हो काफी इजी वे में मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे वापस से डिफॉल्ट ट्रे के अंदर जाऊंगा, एक्सरे को ऑन कर लूंगा। अब यहाँ पर रेंडर यानी कि इंटरएक्टिव रेंडर भी मैंने लगा दिया और आप देख सकते हैं कि अभी कितना एक हल्का सा आपको टेक्सचर जैसा देखने को मिलता है। जैसे ही मैं इसके अंदर इसके लाइट को बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि कुछ और कूल सा एक देखने को मिलता है। और भी हम इसके इंटेंसिटी को बढ़ाते देखते हैं ये और भी क्या सा देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हो कितना कूल देखने को मिल रहा है। अब जैसा भी इसके अंदर कलर डालेंगे वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिजल्ट जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है गाइस। सो आप इसको ट्राई करें, लैंप बनाएं और काफी वैरायटीज के आप इसमें जैसे मान लो कि आप डेकोरेशन कुछ बना रहे हो सो आप डाउन लाइट्स को बना सकते हैं, उसके एजेस को काफी अच्छा सा दे सकते हैं। मैं कुछ सोर्स इमेजेस इसी वीडियो के एंड में जरूर डाल दूंगा। होपफुली आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया हो। सो अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप इसको अपने घर के कर्टन्स को डिजाइन के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर और भी एडवांस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मॉडरेट कीजिए।
सो जब तक के इस वीडियो में इतना काफी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।